Now today we will learn our new lesson. Lesson number 5 is Indian Agriculture Industries and Transportation. Okay, कि इंडिया में कौन-कौन से एग्रीकल्चर हैं, कहाँ-कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे हैं और उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है? So now, see student, India is an agriculture country. About 70% of the people are engaged in agriculture activity. So India क्या है? अपना जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पे सबसे अधिक एग्रीकल्चर को किया जाता है, ग्रो किया जाता है. ओके, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. अबाउट 70% ऑफ द पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. ओके, मीन्स अपने इंडिया में जो सबसे अधिक एग्रीकल्चर कहाँ पे, अपनी कंट्री में जो कि इंडिया में, ठीक है, कंट्री में जाता है जहाँ पे 70% पीपल आर इंगेज, जिसमें कि 70% जो अपने फार्मर्स हैं, जो अपने पीपल हैं अपने, तो वो उसमें इंगेज रहते हैं क्योंकि विदाउट फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल टू ईट एनीथिंग, यू नो. सो द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. जब तक हमको अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए क्या चाहिए? बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, आवर एग्रीकल्चर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो इन इंडिया. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो इन इंडिया. क्रॉप्स ग्रो आर यूजफुल एदर फॉर फूड और फॉर इंडस्ट्रीज. क्रॉप्स ग्रो वी यूजफुल एदर फॉर फूड. जो अपने क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो फूड के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर हमें फूड कहाँ से मिलेगा, खाने कहाँ से मिलेगा. फॉर इंडस्ट्री और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि कुछ वैसे एग्रीकल्चर होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज के जरिए वो प्यूरीफाई होके और वो वापस आते हैं. एग्रीकल्चर हैज प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. द एग्रीकल्चर हैज प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. जो अपने एग्रीकल्चर को इंडिपेंडेंस के बाद और भी ज्यादा मात्रा में होने लगा है, इसकी खेती अधिक से अधिक होती है, एग्रीकल्चर अधिक होता है और क्रॉप प्रोडक्शन जो है हमारे मोस्टली 70% वही है कि होते ही है. ओके, इंडिया इज गाइडिंग द डेवलप्ड नेशन इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. जो अपना इंडिया है, जो इंडिया की जो गाइडेंस है वो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के लिए काफी टेक्नोलॉजी हुआ है. ओके, सो नाउ रिपीट. इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. 70% ऑफ पीपल आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. ओके, क्लियर. द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो इन इंडिया. दिस इज क्लियर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो इन इंडिया. क्रॉप्स ग्रो आर यूजफुल एदर फॉर फूड और इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर फॉर प्रोग्रेस फॉर बाय लीप्स एंड बाउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया इज गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इन इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज. दिस इज क्लियर स्टूडेंट. जिस तरीके से आप क्लास में रीडिंग करते थे, प्लीज आप घर पर वैसे ही रीडिंग करोगे. ओके, नाउ एग्रीकल्चर इन इंडिया. नाउ एग्रीकल्चर इन इंडिया. ओके, नो स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट गुजरात एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्टडी 6. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया. देयर इज स्टूडेंट राइट द क्रॉप्स ग्रो इन गुजरात. देयर इज राइट द 5 नेम. तो गुजरात में कौन कौन से होते हैं क्रॉप्स, उनके नाम लिखना है. ग्राउंड नट, वीट, शुगर कैन, मिलेट एंड सोर्गम एंड कॉटन. ओके, राइट द इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात. तो गुजरात की इंडस्ट्रीज कौन कौन से, उनकी भी आपको 5 नेम लिखने हैं. तो केमिकल फर्टिलाइजर, कॉटन क्लॉथ, पेपर, फिर पेट्रोज केमिकल एंड वुलन टेक्सटाइल एंड शुगर सीमेंट. ओके, सो एग्रीकल्चर इन इंडिया. तो ये है हमारे कि गुजरात में कौन कौन से क्रॉप्स उगे हैं और कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं. ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको इस नेम को
डेट डाउन करना है. ओके ओके सो एग्रीकल्चर इन इंडिया तो नॉर्मल एंड इन इरिगेशन ऑफ द कल्चर. एग्रीकल्चर इन इंडिया नॉर्मल एंड इरिगेटेड एग्रीकल्चर मींस द एग्रीकल्चर व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून इज कॉल्ड द नॉर्मल एंड इरिगेटेड. तो मींस मतलब क्या हो रहा है कि अपने इंडिया में कुछ एग्रीकल्चर ऐसे होते हैं सॉरी कुछ ऐसे एग्रीकल्चर होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन कि जो मॉनसून के ऊपर डिपेंड होता है. सपोज दैट रेनी सीजन में रेनी मॉनसून में अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन होते हैं क्रॉप्स के. समर में अलग टाइप के प्रोडक्शन होते हैं क्रॉप्स के क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं एंड विंटर में अलग होते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे सीजन्स हैं हमारे मॉनसून हैं तो वैसे ही हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे एग्रीकल्चर होते हैं हमारे इंडिया में. सो नाउ इज देयर द एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून इज कॉल्ड नॉर्मल एंड और इरिगेटेड मीन्स की बोलते हैं ना कि जो नॉर्मल जैसा मतलब कि जो कि सूखा उखा होता है चारा वगैरह ठीक है कि नॉर्मल जो चारा होता है ओके एग्रीकल्चर द क्रॉप्स आर फॉलोअर्स. तो इसमें कुछ कौन कौन से फॉलो करने हैं क्रॉप्स को सोर्गम माइलेट मतलब बाजरा एंड सोर्गम मीन्स क्या होता है चारा. सोर्गम मीन्स चारा. ओके माइलेट आर ग्रो इन अराइड रीजन माइलेट आर ग्रो इन अराइड रीजन. सो नाउ स्टूडेंट एग्रीकल्चर इन इंडिया नॉर्मल और इरिगेटेड एग्रीकल्चर लाइक द एग्रीकल्चर विच इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून इज कॉल्ड द नॉर्मल और इरिगेटेड मीन्स की जो भी हमारे एग्रीकल्चर है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल और इरिगेटेड. ओके एग्रीकल्चर द क्रॉप्स आर एज फॉलोअर्स. यहाँ पे कुछ कुछ क्रॉप्स हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं. क्लियर है ना आपको. अभी आपको पता है कि इस समय विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में कौन से टाइप के क्रॉप्स हो रहे हैं कौन से एग्रीकल्चर हो रहे हैं कौन से वेजिटेबल्स आते हैं कौन से फ्रूट्स आते हैं. ओके फिर आफ्टर समर आफ्टर विंटर समर स्टार्टेड तो समर में फिर कौन से हमारे फ्रूट प्रोडक्शन फ्रूट होते हैं एग्रीकल्चर में कौन से हमारे क्रॉप्स होते हैं मीन्स फ्रूट में फ्रूट्स में ओके एंड वेजिटेबल्स में. बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो मॉनसून के अकॉर्डिंग क्रॉप्स होते हैं. ओके तो यहाँ पे माइलेट वाय ग्रो इन अराइड रीजन. और ये माइलेट मीन्स क्या होता है बाजरा बाजरा देखे ना बाजरा की रोटी खराब होगा ठीक है उसकी भी एग्रीकल्चर होती है. तो माइलेट आर ग्रो इन अराइड रीजन लाइक दिस सोर्गम. सोर्गम इज ग्रो इन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. अभी जो सोर्गम है ये सोर्गम कहाँ पे पाया जाता है सोर्गम आपका मध्य प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात और आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इसकी मात्रा आपको अधिक मिलती है. ओके माइलेट माइलेट मीन्स बाजरा. बाजरा क्या है माइलेट इज ग्रो इन राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. जो माइलेट है बाजरा इसकी सबसे अधिक जो क्रॉप प्रोडक्शन है खेती है एग्रीकल्चर का होता है. तो वो माइलेट इज ग्रो इन राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन इंडिया. तो बाजरा का जो प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक कहाँ पे पाया गया है देखिए माइलेट माइलेट को अगर पूछा जाए तो माइलेट कहाँ पे आएगा आपका तो यहाँ पे माइलेट दिया हुआ है राजस्थान. ओके राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र महाराष्ट्र हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान. ओके तो यहाँ पे क्या था कि हमारा जो माइलेट का जो प्रोडक्शन है जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली कहाँ पे होते हैं राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इसके इंडिया में प्रोडक्शन को पाया जाता है. सबसे लार्ज प्रोडक्शन जो होता है इंडिया में वो माइलेट का होता है इन इन जगहों पर. नाउ दिस इज योर मैप सी स्टूडेंट. ये आपको मैप को देखना है कि किस तरह से कौन कौन से स्टेट पे इंडिया के यहाँ पे कौन कौन सा है कहाँ पे कौन कौन से एग्रीकल्चर पे पाए जाते हैं कौन कौन से क्रॉप प्रोडक्शन को किया जाता है. तो इस मैप को ध्यान से देखिए ये आपके एग्जाम में आ सकता है ठीक है. ये आपको एग्जाम में मार्क करने को दिया जाएगा. अब आपको क्या करना है एक मैप लेना है इंडिया में वहाँ पे आपको ये एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन को
शो करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है जो कि पेज नंबर 37 है, ओके, आपको पेज नंबर 37 पे ये क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में आपको क्लियर आपको शो करना है इन योर मैप, ओके स्टूडेंट। तो टुडे ओनली दिस Bihar and Orissa. Now the next crop